नमस्कार, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा। हम इस वक्त उस शहर में हैं जहां एक बार जवाहरलाल नेहरू आए और बोल गए कि हम इस शहर को स्विट्जरलैंड बनाएंगे। कुछ साल पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आए और उन्होंने कहा कि वो इस शहर को सिंगापुर बनाएंगे। हम इस समय मौजूद हैं, इस शहर का नाम है सिंगरौली, वो सिंगरौली जो इंदौर के बाद मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है। तो यहाँ के लोग हमारे साथ जुटे हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या वाकई सिंगरौली सिंगापुर बन पाया। जी वीक चल रहा है, वीक तो नहीं है, आवाज़ आ रही सबको? ठीक है, क्या नाम है आपका? रवि कांत सोनी। आप किसी पार्टी से जुड़े हैं? जी अभी तक तो कोई पार्टी से नहीं थे, पहले समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष थे, 20-22 दिन से हम कांग्रेस से हैं। अच्छा, कांग्रेस में आ गए। हाँ, बताइए क्या हाल है यहाँ का? हाल तो जिला सिंगरौली का, यहाँ कई कोयले खदाने खुले, एनटीपीसी पावर प्लांट खुले और विकास कंपनियों का हुआ, यहाँ के मजदूर और किसानों और विस्थापितों का कतई नहीं हुआ। आज उनका दोहन भरपूर हो रहा है। और सिंगापुर की बात अगर आप करते हैं साहब, तो जिला यहाँ मजिस्ट्रेट बैठते हैं, यहाँ जिला मजिस्ट्रेट बैठते हैं और उसके बगल में एक पेशाब घर है कि पेशाब इधर करो तो बहकर इधर आता है, शायद सिंगापुर में होता होगा वो, जबकि वो चौराहे पर सिंगरौली का नाक है जिला मुख्यालय पर। रोड यहाँ पर NH-75 15 साल हो गया, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। अगर आप रीवा से सिंगरौली अगर आ रहे हैं, मैं आज खुद आया हूँ और मैंने खुद देखा है, बहुत बुरा हाल है रोड का, रोड ढूंढनी पड़ रही थी। ऐसा क्यों है भाई, आप लोग क्यों जिता रहे हैं दो बार से? बीजेपी विधायक माननीय दिग्विजय सिंह थे, जिस समय छत्तीसगढ़ अलग हुआ, एक मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर भार पड़ा व्यवस्था करने में, खाली बिजली और रोड के चलते सरकार चली गई। आज 15 साल हो गए बीजेपी की सरकार हुए, आज ये 15 साल में उससे भी बुरी दशा है, रोड का बना नहीं, बनी नहीं। तो 15 साल से शिवराज बार बार वापस क्यों लौट आते हैं, तीन बार चुनाव? बार बार क्यों आ रहे हैं, बार बार क्यों जनता चुन रही है? ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के विधायक भी जो हार रहे वो वोट नहीं पाए, थोड़ा बहुत कम ज्यादा से सरकार बनी है। इस बार जनता पूरे मध्य प्रदेश की मूड बनाई है, जब आप देखिए। चलिए ठीक है, और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राम सेवक जी। राम सेवक नापित। राम सेवक जी, आप यहीं रहने वाले हैं सिंगरौली के? जी हाँ। सिंगरौली सिंगापुर क्यों नहीं बन पाया बताइए? अबे सर, क्या काम हुआ है, कुछ काम हुआ है यहाँ पे? यहाँ पर कोई खास काम नहीं हुआ है, जबकि यहाँ जो NTPC और कोई औद्योगिक क्षेत्राएं हुए हैं उनका ही विकास हुआ है यहाँ पर। अच्छा, और यहाँ की जनता का शोषण ही हुआ है। शोषण ही हुआ है। हाँ। आपका क्या नाम? आप बताइए ना। मैं जमुना सोनी हूँ। अच्छा, क्या करते हैं? मैं रिपोर्टर हूँ। रिपोर्टर, पत्रकार साहब हैं तो क्यों भाग रहे थे फिर आप, बताइए ना। बोल नहीं पाते, बोल नहीं पाते, लिख लेते हैं तो जो लिखते हैं वही बता दीजिए ना। चलिए, आपका क्या नाम है? डीके सिंह बघेल। क्या करते हैं आप? बस बिजनेस है। बिजनेस है। बिजनेस में क्या हाल चाल है सिंगरौली के? बिजनेस के हाल तो अब GST तो आप देख ही रहे हैं। क्या GST पसंद नहीं आ रहा है? GST पसंद क्या, अब 28% GST लगा दिया गया है। क्या काम करते हैं आप? हमारा तो अभी कोई कॉन्ट्रेक्टर है, ठेकेदारी काम। उसमें कहाँ 28% GST लग रही है भाई? अपने ट्रांसपोर्टिंग में तो लगी रही है। अच्छा, कोल ट्रांसपोर्टिंग में, उसमें तो लगी रहा है 28% GST। और क्या मुद्दे हैं शहर के बताइए मुझे आप लोग। क्या नाम है आपका? राम निवास चौरसिया। क्या करते हैं आप? मेरी फल की दुकान। फल की दुकान जी। तो कुछ मिला आपको, क्या कुछ काम हुआ? कुछ काम तो हो रहा है थोड़ा बहुत। ऐसे बताइए क्या काम हुआ है? काम तो नगर निगम करा रहा है, और कोई कौन कराएगा? सड़क की रोडें बनी है? हाँ, ये बैढ़न में तो बनी हुई है। बनी हुई है रोड? हाँ, बैढ़न में तो बनी है। चलिए, आपका क्या नाम है? जी मैं प्रभांशु सर्राफ, मैं भारतीय जनता युवा मोर्चे का जिले का महामंत्री हूँ। अच्छा, नेता है आप। क्या किया आपकी पार्टी ने, यहाँ बताइए। देखिए, जिस स्थिति में मध्य प्रदेश को, साथ ही साथ सिंगरौली को पूर्व की सरकारों ने जिस स्थिति में छोड़ा था, जो एक बीमारू राज्य के स्तर स्थिति में मध्य प्रदेश था, और निरंतर माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के 15 साल पहले क्यों नहीं, अभी क्यों बता रहा हूँ, अभी मैं वो पहला वाले की बात करके अभी की बात मैं कर रहा था। सुनिए, इस बार आप लोग की आदत हो गई, पूरी बात सुनिए, दिग्विजय सिंह की जरूर याद दिलाएंगे। अरे भूल जाइए, पिछले 5 साल की बात बता रहा हूँ मैं जी। आज सिंगरौली में उद्योग धंधे स्थापित करके यहाँ के लोगों को रोजगार की सुविधा आप देख रहे हैं, लगातार यहाँ पर उद्योग धंधे बढ़े जा रहे हैं। साथ ही साथ जो दूरांचल मनांचल तक की सड़क निर्माण का काम हो,
चाहे पेयजल की व्यवस्था का आज आप देखे होंगे इसी जहाँ पे हम लोग खड़े हैं यहाँ भी पेयजल की पाइप लाइन बिछ गई है लगातार उसके लिए काम चल रहे हैं। आज जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ पे सड़क की पहले स्थिति इतनी गंदी थी, लेकिन लगातार निरंतर भारतीय जनता पार्टी विकास करे जा रही है और साथ ही साथ जो बचत अभी आप मुख्यमंत्री जी का जन कल्याण संबल योजना भी देखे हैं, तो जो गरीब है जो असहाय है उनको अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को आगे लाने काम लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार कर। भैया ये कह रहे हैं कि बहुत काम हुआ है यहाँ पे, पानी भी पानी भी मिला है, सड़क भी बनी है और रोजगार भी मिला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित है। यहाँ सबसे बड़ी जो मुद्दा है आज प्रदूषण की है। एनजीटी के लगातार रिपोर्ट के बाद भी यहाँ कोई सुधार नहीं हो रहा है और यहाँ की पोल्यूशन के जो मुद्दे हैं राष्ट्रीय अखबार में तो छपते हैं लेकिन यहाँ किसी एक लोकल अखबार में नहीं छपते हैं। यहाँ का खबर इंडिया टुडे मैगजीन में छपती है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस में छपती है, इंडियन एक्सप्रेस में छपती है, द टाइम्स ऑफ इंडिया में छपती है, ट्रिब्यून में छपती है, लेकिन यहाँ के किसी एक अखबार में खबर छप जाए आज तक मैंने नहीं देखा। क्यों नहीं छपती है यहाँ की पेपर? यहाँ की सीधी सी बताएं हम, पत्रकारिता में बहुत बड़ी भ्रष्टाचार है यहाँ पे, पत्रकारों के बीच बहुत दबाव है। अच्छा, क्या नाम है आपका? भैया कृष्णा यादव। क्या करते हैं जी? भैया मैं पढ़ाई करता हूँ बीटेक। अच्छा जी, थर्ड ईयर है। रोजगार की बात हो रही है भैया? युवाओं के नेता बता रहे थे कि बड़ा रोजगार मिल रहा है। कोई रोजगार नहीं है, स्थानीय युवाओं के लिए यहाँ पे कोई रोजगार नहीं है। अच्छा भैया, 1% यहाँ से बाहर वालों को रोजगार दिया जाता है, बाहर वालों को घूस दे के रोजगार दिया जाता है स्थानीय युवाओं के लिए। भैया अरे भाई साहब यही पीछे में आना है आपको, पीछे से आ जाइए। अरे तार कहाँ लिए जा रहे हैं? हमारा तार छोड़ दीजिए भैया, आप इनको रास्ता दे दीजिए निकलने वाला पीछे। हाँ ठीक है, बताइए। अगर स्थानीय लोगों को, हम जैसे युवाओं को रोजगार मिलता तो हम लोग कानपुर और लखनऊ जैसे यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाई नहीं करते। हम लोग यहाँ पे कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी कोई बनी नहीं भैया, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, प्राइवेट कॉलेज, सरकारी कॉलेज है, वो भी उसकी शिक्षा का स्तर इतना गिरा हुआ है कि यहाँ के युवाओं के यहाँ पढ़ने में कोई मन नहीं लगता है। अच्छा। सब युवा यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं, कोई ना मेडिकल कॉलेज, न कोई इंजीनियरिंग कॉलेज, न कोई समान स्तरीय का भी कोई स्टडी लेवल जैसे होता है ना, एडुकेशन लेवल जो स्टैंडर्ड लेवल होता है वो भी स्टैंडर्ड लेवल का, कि यहाँ कोई स्टैंडर्ड लेवल का एडुकेशन नहीं है। यहाँ पे युवाओं के लिए रोजगार की बहुत दिक्कत है। बीजेपी वाले जो भी हो, हम हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं युवाओं के लिए कुछ करना तो सबसे पहले युवाओं के लिए रोजगार का काम करें, नहीं तो हम हाथ जोड़ के कहते हैं आप लोग सत्ता छोड़ दें। इतनी बड़ी यहाँ इतनी इंडस्ट्री, पावर हब कहा जाता है इसको, एनटीपीसी है, एशिया का सबसे बड़ा पावर हब। अब इतनी दिक्कत परेशानी, बच्चे बता रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा है, आप कह रहे रोजगार मिल रहा है, किसकी मालूम है? देखिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा किया था कि मध्य सिंगरौली में जो आउटसोर्सिंग कंपनियां आ रही हैं उसमें 50% जो वैकेंट सीट जो रहेंगे, लेकिन 50% वैकेंट सीट का मतलब समझिए 50 जो वैकेंसी है उसके 50% में हम यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे। अच्छा, और मैं आपको बता दूं कि निरंतर आप देखिए हवा हवाई बात करने वाली बात अलग है, अभी मैं बोलूंगा लोग चिल्लाना चालू कर देंगे, मेरी बात सुनिए। लेकिन आप कांग्रेस की सरकार ने ही एक हमको अधिकार दिया है राइट टू इन्फॉर्मेशन का, आप आउटसोर्सिंग कंपनियों में राइट इन्फॉर्मेशन लगाइए और उसका लिस्ट, इंप्लॉय लिस्ट मंगाइए। मैं निश्चित तौर बताता हूँ सिंगरौली का निवासी 50% रोजगार कर रहे हैं। पूरे स्टेडियम में बोले थे कि 60% लोगों को रोजगार दिया जाएगा, ऐसा लूट लिया, हिंडाल को लूट लिया, आपका महान बोल ब्लॉक लूट लिया। अभी आता हूं, अभी आता हूं। और आप देख रहे होंगे लगातार व्यापम के माध्यम से, थोड़ा पीछे हो जाइए, लगातार देख रहे होंगे व्यापम के माध्यम से पुलिस कांस्टेबल की भर्ती, सब इंस्पेक्टर की भर्ती, जेल प्रहरी की भर्ती, लगातार भर्तियां हो रही है। खुद ही ले आए व्यापम? नहीं, पहले व्यापम पे इनकी सुन ले, क्या कहना है भैया? व्यापम जैसा घोटाला, इतना ज्यादा घोटाला वाला आज तक स्कैम, उनके सारे गवाहों को जो भी सबूत वाले व्यक्ति थे आज तक रहस्यमय तरीके से मारे जा रहे हैं। भैया आप पत्रकार हैं, आपको ही पता होगा, भैया आपको ही पता होगा, रहस्यमय तरह से गायब हो रहे हैं वो लोग। क्यों गायब हो रहे हैं? आप पता क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्या क्या कर रहे हैं? अरे आप भैया, भैया एक मिनट रुकिए, आप क्या करते हैं? पहले आप मुझसे बात करिए, आप मुझसे बात करिए। क्या नाम है? विनात, आई एम साजिद सिद्दीकी, एडवोकेट बहरहाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जी वकील साहब, ये वकील साहब ये बताइए, रुक जाइए आप। अरे आप अगर आपको आपस में बात करनी तो उधर आप चले जाइए, आप मुझसे बात कर लीजिए। तो आप उनसे सवाल क्यों पूछो? वो नेता नहीं है ना भाई, वो अपनी बात कर रहा है। वो बात वही बात घुमा रहे हैं बार बार। क्या व्यापम तक पहुंच रहे हैं? व्यापम सड़क में बात करने वाला मुद्दा नहीं है,
समझ रहे हैं आप? क्यों नहीं बात करने वाला मुद्दा? जो बात ये आप अपनी बातें कर सकते हैं। अरे देखिए राइट है ये, अगर वो ये बात कह रहा है आपके भाजपा से जुड़े हैं तो बुरा क्यों लग रहा है आपको? उनकी बात, आप अपनी बात बोलिए, आप ये बताइए, आप अपनी बात बोलिए ना। आप ये आप ही के ऊपर मैं बोल दूं कि आप कांग्रेस से जुड़े हैं? अरे बोलने को तो कुछ भी बोल सकते हैं आप, है ना, भाजपा से जुड़ने वाली बात। हाँ तो अगर वो ये बात बोल रहा है आपको आपत्ति क्या है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आपकी जो बात आप बोलिए, बताइए क्या बोलेंगे ना? अभी पहले बोलने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अभी है भाई, बता दूं विकास की बात आप बात कर रहे हैं तो हवाई पट्टी वन बाई वन सुनिए अगर आप ऐसे चिल्लाना तो बंद कर देता हूँ। सबसे बड़ा अगर सिंगरौली में, सबसे बड़ा अगर सिंगरौली में, सिंगरौली में सबसे बड़ा मुद्दा है तो युवाओं के रोजगार का कारण है भैया। यहाँ इतनी सारी कंपनी है, एनसीएल से लेकर एनटीपीसी बीजीआर, इतनी सारी कंपनी है कि चाहे तो यहाँ के हर स्थानीय एक परिवार से एक लड़के को रोजगार दे सकते हैं। लेकिन लेकिन ड्रॉबैक है बताइए तो, जो यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, माइक छोड़ दिया इस बात के लिए, समझे, जो यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इस चीज में सरकार नाकाम रही है, पूरी तरीके नाकाम रही है। बाकी डेवलपमेंट की जो बात है, एक मिनट भैया, डेवलपमेंट की जो बात है, डेवलपमेंट बराबर सिंगरौली की हो रही है और सिंगरौली का डेवलपमेंट किसी सरकार की मोहताज नहीं है। सिंगरौली अपने में कोयला दे रहा है, अपने में पानी उगल रहा है, कहीं और देखिए, कहीं अगर कोयला आता तो डेवलपमेंट वहाँ भी होता। तो सिंगरौली का डेवलपमेंट किसी सरकार का मोहताज नहीं, सिंगरौली अपने आप हीरा उगल रहा है और उगलते रहेगा। तो हीरा उगल रहा है, यहाँ के लोगों को हीरा मिल रहा है कि नहीं? मेरी बात सुनिए, यहाँ के लोग, एक मिनट, यहाँ के लोगों को, यहाँ के तो सिर्फ उसका धुआं मिल रहा है, यहाँ धुआं धुआं तो खाना पड़ेगा जहाँ कोयला निकलेगा, खाना पड़ेगा, माल भी तो आप खा रहे हो, जो है भी तो बैठे हो, रोजगार जो मिलना चाहिए, जो मेन रोजगार का मामला है, तो सिंगरौली, हम सिंगरौली के जितने वासी है उनके तरफ से रोजगार के लिए बोलेंगे। माननीय शिवराज सिंह जब भी आए हैं यहाँ, मुख्यमंत्री महोदय जब भी आए हैं, रोजगार की बात किए हैं, ये भाई जितना भी कहा ठीक कहा है कि 60% लोगों को बोले थे कि रोजगार देंगे, रोजगार के मामले में सिंगरौली फेल। बेरोजगार, बेरोजगार आज भी बेरोजगार ही घूम रहे हैं भैया। मामा जी शिवराज सिंह आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी, मामा जी सिंगरौली को बोले थे सिंगापुर बनाने के लिए, लेकिन नंगापुर बना के छोड़ दिया है, युवाओं के लिए 1% रोजगार नहीं है। आप यहाँ के युवाओं की रोजगार की बात करते हैं, यहाँ से 50,000 लाखों बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पर कई पावर प्लांट और कई एनसीएल कंपनियां रहकर क्या यहाँ कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, माइनिंग कॉलेज नहीं बन सकता है? 800 करोड़ का ये पाइपलाइन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, अभी तक पानी वाटर चालू नहीं हुआ, ये मीडिया कह रही है। किसान आवाज उठा रहा है तो उसके ऊपर गोली दागा जा रहा है। ये है शिवराज सरकार, ये है भ्रष्ट सरकार और ये है भाजपा सरकार। सारे मैं ये कहना चाहूंगा सिंगरौली का पेक। अरे भैया भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेश गर्ग, सीए देवेश गर्ग, आईएमए चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं ये कहना चाहूंगा सिंगरौली का अपेक्षित विकास तो नहीं हुआ, लेकिन अगर आप पिछले 70 साल के विकास से कंपेयर करें, जहां आज के 10 साल पहले या पशु पक्षी नहीं दिखाई देते थे, वह इतना आज बसा हुआ है, तो वो भी डेवलपमेंट तो है। दूसरी चीज आज के 7 साल पहले आपको पता है सिंगरौली पूरे भारत में दूसरे नंबर पे था नीचे से, और आज सिंगरौली 100 रैंक से ऊपर चुका है, तो ये भी तो सब डेवलपमेंट को दर्शाता है। पॉल्यूशन में भी तो आया है पॉल्यूशन, जहाँ पर एक कोल इंडस्ट्री होगी, जहाँ पावर प्लांट्स होंगे, पॉल्यूशन तो होगा, इट इज अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर प्लांट्स। आप ये नहीं कह सकते पॉल्यूशन को आप खत्म नहीं कर सकते, पॉल्यूशन को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन सरकार ने काम किया है ऐसा कोई नहीं है। सीएसआर फंड से देखिए आप गांव गांव तक में सड़कें पहुंची है, बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, बच्चों के लिए
फ्री में ड्रेसेस, उनके लिए किताब कॉपियां सब उपलब्ध होने लगी है। अब लड़के तो यहाँ बता रहे हैं कि इनको रोजगार नहीं मिल रहा, अगर कॉलेज की बात करें उनको दिल्ली पढ़ने चाहिए। उसका कारण है यहाँ हमारे जो सिंगरौली जिला है, हमारा जो सिंगरौली जिला है या एंटरप्रीनियरशिप की कमी है। जितनी भी कंपनियां यहाँ आती है वो ये कहती है कि हमको स्किल्स चाहिए। भाई कोई भी कंपनी रोजगार पीछे हो जाइए हाँ जी, कोई भी कंपनी रोजगार तभी देगी जब स्किल्स होंगे। हमारे यहाँ के युवा स्किल्स के लिए जो सेंटर खुले हुए हैं वहां तो जाना नहीं चाहते। भाई आप स्किल्स तो पैदा करिए, कंपनियां रोजगार आपको प्राइवेट कंपनी क्यों रोजगार देंगी जब तक आप में स्किल्स नहीं होंगे। आप कह रहे मतलब है कि यहाँ के युवाओं में कमी है, सरकार सब कर रही है। नहीं, सरकार कर रही है स्किल सेंटर। नो स्किल नहीं कुछ भैया, यहाँ स्किल सेंटर खोले गए हैं। सुनो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 1 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के लोन दिए गए। 15 लाख आज आराम से पहले हम सब सुनिए भाई साहब, ऐसे 2 मिनट बोलिए। आज यहाँ सिंगरौली की जनता खड़ी है, इसमें सभी लोग खड़े हैं, बीजेपी के लोग भी खड़े हैं। आज 5 साल जो महापौर रहे और 10 साल जिसको जनता ने मौका दिया, विधायक बनाया, अपना जनप्रतिनिधि बनाया, वो जनप्रतिनिधि ने ऐसा बयान दिया मीडिया में कि यहाँ धीरे बोलिए आप, चिल्लाने की जरूरत है। यहाँ के अधिकारी कर्मचारी मेरा नहीं सुनते। जिसका मुख्यमंत्री भोपाल बैठ रहा हो, जिसकी सरकार हो, वो विधायक का बयान पेपर में आ रहा है कि हमारी अधिकारी कर्मचारी कोई नहीं सुनता, तो इस पत्थर की मूरत का पूजा करो। राम चिल्ला देखिए, थोड़ा पीछे हो जाइए पहले आप। हमारे माननीय विधायक जी का अगर सुना ना जाता, आदर्श महाविद्यालय, कन्या महाविद्यालय, माइनिंग कॉलेज, कॉलेज बताइए, आपकी तरफ से मैं पूछ रहा हूँ, चिंता ना करिए। हाँ, आप लोग तरफ से मैं चिल्लाइए मत। देखिए टेक्निकल मैं बंद कर रहा हूँ, लाइव बंद कर रहा हूँ। आप लोग चिल्ला लो है ना, आप लोग चिल्ला लो जी। क्या नाम है आपका? मैं ये कह रहा हूँ प्रधान, नाम क्या आपका? मेरा इस्माइल नाम है। मैं 8 महीने से अब मेरा कच्चे का मकान पूरा खपड़ा वपड़ा सब हमने उजाड़ दिया है, पन्नी लगा के रह रहा हूँ। नरेंद्र मोदी ने बोला था कि 2.5 लाख रुपए मिलेगा, ठीक ना? मकान हमने तोड़वा दिया पूरा, कच्चे का मकान पन्नी लगा के रह रहे हैं। 8 महीने हो गया, न पैसा आया न कुछ आया, कच्चे का मकान कोई 2.5 लाख रुपए नहीं, कोई 2.5 रुपए नहीं। नगर निगम में जाओ तो कहते हैं 5,000 दो घूस। और क्या मुद्दे शहर के आपके, बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनिस खान है। शहर के मुद्दे बताइए मुझे, शहर में क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं आप लोग? ये मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं विकास के, ठीक है? मैं डिग्री कॉलेज में पढ़ता हूँ, डिग्री कॉलेज को देखिए, वहाँ एक भूतिया मूवी बन सकती है। 15 साल से सरकार है और डिग्री कॉलेज की दुर्दशा देसी कि इतने बड़े बड़े कॉलेज है कि वहाँ एक वयस्क शेर तक छुप जाए, ठीक है? और अभी तक यहाँ पे सरकारी अस्पताल की ये दुर्दशा है कि यहाँ 15 साल से सरकार है लेकिन आज तक ब्लड बैंक तक नहीं आ पाया। ब्लड बैंक लेने कहाँ जाना पड़ता है? बिननगर। अब बिननगर वाले बेइज्जती करते हैं कि बैढ़न का सरकारी अस्पताल नहीं, बिननगर अस्पताल, तो यहाँ जनता जाए कहाँ? अस्पताल की बड़ी दिक्कत है। दिन में भी लोगों से बात कर रहा था तो लोगों कह रहे, थोड़ा पीछे हो जाइए, पहले रोड खाली करिए आप लोग। हमारे व्यवस्था मुझे पसंद नहीं, इधर आइए, थोड़ा साइड हो जाइए, इधर हो जाइए आप लोग, थोड़ा इधर जाइए है ना। मदन जी गाड़ी थोड़ा आप आगे कर लीजिए, गाड़ी हटा लीजिए यहाँ से, है ना। अब देखिए, अगर आप लोग इसे चिल्लाएंगे जाम लगाएंगे तो मुझे सब बंद करना पड़ेगा, कोई फायदा नहीं है ना। मेन मुद्दा आप रुकिए, आपसे आप बहुत बात कर चुका हूँ। तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे डिग्री कॉलेज में LLB तक नहीं है। LLB हमारे विधायक दलाली करके अपने कॉलेज में रखे हैं,
क्योंकि उनको अपना धंधा चलाना है। जबकि ये सरकार दो बार से क्यों जिता रहे हैं उनको आप लोग? दो बार से यहाँ की जनता है जिता रही थी। आप ही लोग हैं ना? मामा के घोसा वीर घोसा में अतुल सिंह। अतुल सिंह जी क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब एनटीपीसी और यहाँ लॉ कॉलेज सब। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर ये 15 साल से है गवर्नमेंट सीएसआर एनटीपीसी एनसीएल है, सीएसआर का पैसा कहाँ जाता है? सिंगरौली में क्या विकास किया है? कुछ नहीं लगता। सीएसआर का पैसा यार नहीं लगता। नहीं, आप कह रहे थे लगता है, ये कह रहे नहीं लगता है। आज सुन लीजिए, आज भी आप सिंपलेस बस्ती चल जाइए, जो मतलब विस्थापित जहाँ पे विस्थापित लोग रह रहे हैं, उस एनसीएल एनटीपीसी के जो विस्थापित लोग रह रहे हैं, आप वहाँ पे जाके देखिए, आरओ का प्लांट हर 100-100 मीटर पे जहाँ पे लोग पानी जाके ले रहे हैं। सिंप्लेक्स में है? नहीं है। मैं अरे यार मैं वहाँ खुद टंकी बनाया हूँ, मैंने उस टंकी बनाई है। ठीक, समुदाय भवन बनने की बात हो सीएसआर फंड से, ठीक है मैं 5 मिनट खत्म करता हूँ, परेशान मत जी। हाँ, समुदाय भवन कम्युनिटी हॉल बनाने की बात हो, सीएसआर का पैसा निरंतर वास्तव में यहाँ के लोगों के काम में लग रहा है, ऐसा नहीं है। दूसरी बात मैं बता दूँ आपको, माइनिंग फंड मुझे बता रहा, डीएमएफ का यहाँ पे करीब 250 करोड़। यहाँ के प्रभारी मंत्री राजेंद्र शुक्ला है, वही बात कर रहा हूँ, मेरी बात नहीं। उनके आप तो वो बता रहे हैं यहाँ पे आते ही नहीं है, ऐसा नहीं है। चिल्लाई मत। फिर उसके बाद इन्होंने उसका फंड कम करके 150 करोड़ का बना के यहाँ वो कर रहे हैं, जबकि 450 करोड़ का ये माइनिंग कॉलेज का वो था। चलिए, रॉयल्टी का 33% उसी होम डिस्ट्रिक्ट में खर्चा होगा, ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार की उपलब्धि है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है। भारत आपने किया तो लोग मान क्यों नहीं रहे हैं? हम मान रहे हैं। देखिए यहाँ पे कांग्रेसी मानसिकता के लोग, समाजवादी मानसिकता के लोग खड़े हैं। अच्छा, ये यूथ कांग्रेस का है, ये यूथ समाजवादियाँ। अगर मैं आपको हर एक पॉइंट का जवाब दे सकता हूँ, अगर आप लोग शोर मचाएंगे तो क्या फायदा? शत्रुघ्न सिंह, क्या करते हैं? हम तो व्यापार करते हैं, व्यापार करते हैं। जिस तरीके से आप उनके कंधे पे हाथ रखे हुए हैं ना, वो मुझे बता रहा है कि आप पार्टी से जुड़े हुए जी। नहीं, अगर नहीं जुड़े तो नहीं जुड़े, जुड़े तो बता दिए, शर्माने वाली कौन सी बात? हम लोग पार्टी से जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी ना, कांग्रेस से व्यापार भी करते हैं, और जो कि यहाँ का विकास का जो मुद्दा बताया जा रहा है, जितने भी मुद्दे हैं, ये अर्जुन सिंह के जमाने के जो भी यहाँ विकास हुआ है, दाऊ साहब की देन है, माननीय कुंवर अर्जुन सिंह की। अच्छा, अर्जुन सिंह ने इतना काम किया है, आप कह रहे थे अपने समय किया था, अर्जुन से क्यों जा रहे हैं? अभी की बात करिए ना, अभी क्या मुद्दे हैं ये बताइए। अभी के मुद्दे वही है, क्योंकि जो मुद्दे अभी कांग्रेस में जो था, जितने भी योजनाएं थी कांग्रेस में, वही सब चल रहा है। लोग हम उसको जो भी मुद्दे यहाँ, जो भी विकास हुआ है, जो भी पेंडिंग था, माननीय दिग्विजय सिंह ने यहाँ जिला के लिए सब कुछ हो गया था, तो क्यों चले गए दिग्विजय सिंह? क्यों हार गए चुनाव? दिग्विजय सिंह चुनाव जिले के बारे में आप ये बताइए, पहले दिग्विजय सिंह चुनाव क्यों हार गए? इतना काम किया था उन्होंने। दिग्विजय सिंह ने, दिग्विजय सिंह के साथ ये जो हाल हुआ है वो मामा जी के साथ होने जा रहा है। रोड नहीं बनी है तो हम लोग मैं ये कह रहा हूँ, मेरा नाम उग्रसेन शर्मा है, मैं ये कह रहा हूँ सिंगरौली में बात सबसे हो रही है कि मुद्दे की ये बात है कि सबसे बड़ी बेरोजगारी। माननीय विधायक जी एक पंचवर्षीय महापौर रहे और 2 बार विधायक रहे, वो कहते हैं मेरा कोई नहीं सुनता है। आज भी एक वो भी कंपनी की नौकरी मिल रही है, आराम से बात करिए। ये रोजगार आप कह रहे मिल रहा है, चिल्ला लीजिए फिर आप। ऐसा करते खत्म करते हैं, ठीक है? आप लोग आपस में चिल्ला लीजिए, आप लोग खुद दबा रहे हैं। विधायक जी का ये ऑफिशियल बयान है,
कि हमारी कोई नहीं सुनता है। तो आप भैया विधायक जी के साथ आप तो सुनते हैं ना, आप लोग तो सुनते हैं ना, भैया दो बार से जिता रहे हैं। अब हम लोग संभल गए हैं, होश हमारा संभल गया है, इस बार सत्ता बदलेगी बदलेगी। चलिए ठीक है, जो 45 वार्ड में विकास हुआ है नगर निगम के द्वारा, 40% तो घुस खा गए भ्रष्टाचार के नाम पर, और एक भी काम प्लाजा बना है चूरा है पूरी छत, कौन जवाब देगा? करोड़ों का प्लाजा बना है पूरा छत चूरा है, कौन देगा जवाब? चलिए रोड बना है, नाली बना है, आप लोग जोर से जवाब दे दीजिएगा। बड़ा शोर है भाई, कितने भी कोशिश कर लो शांति से लोग बात कर ही नहीं पाते। तो सिंगरौली की जनता के मुद्दे थोड़ा गुस्से में सही, आपने देखे जाने, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पे, विस्थापन एक बड़ा मुद्दा है, पॉल्यूशन एक बड़ा मुद्दा है जिसपे सरकार को ध्यान देने की बहुत जरूरत है। अब हम यहाँ पे वीडियो खत्म करते हैं, अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।